हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं साथियों NTA UGC नेट GRF की। तो ना ही केवल NTA UGC नेट GRF को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमारे साथ हमें मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें TGT PGT फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, DSSB KVS NVS इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग फुली कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए सबको पता, हमारा हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम जितना हो सके, ताकि और लोग भी इसको ज्वाइन कर सके, उसका फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए साथ, ताकि जब भी हम यहाँ पर कोई वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके। ठीक है, तो इसी संदर्भ में साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज चला रहे हैं एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिलहाल जो करंट पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर। MCQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी की सीरीज चला रहे हैं हम यहाँ पे। तो डेली वीडियो आती है इसकी, डेली लाइव क्लास होती है हमारी 1 बजे, दिन में 1 बजे हमारी क्लास ले सकते हैं आप लोग। तो उसी संदर्भ में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय स्तर पर गड्ढे खोदने के साथ जन्म में लिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया साथी उन्होंने, कुछ ही पेल देते हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कुछ लिखने वाला। ये आएगा आपका कि भारतीय सभ्यता स्तर पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य आएगा यहाँ पर, थोड़ा साक्ष्य कर लीजिए, साक्ष्य भारतीय सभ्यता में गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से, ये इसको हटा दीजिए, इनमें से या निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने राइट आंसर चूज करके अपना क्वेश्चन आंसर पुटअप करना है। इसके लिए आपको थोड़ा गला ख़राब है यार, मैनेज करना। तो इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 30 सेकंड के अंदर ही आपने अपना राइट ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है। तो बताइए साथ इसका राइट आंसर क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बुर्जा होम है, ये बुर्ज होम होगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। ये आएगा आपका बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका, है बुर्ज होम। गुफकराल और बुर्ज होम दो जगह हैं नवपाषाण काल से संबंधित, जो दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। हाँ ये थोड़ा ठीक आ गया अभी। चलो हाँ ऐसा कर लेते हैं अभी, ठीक है, ठीक है ना अभी। तो बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, भारतीय परंपरा की बात हो रही है, प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि भारतीय प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए साथ राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर D। ये एक जो है ना कि नवपाषाण काल से संबंधित उपकरणों के प्रकार हैं, मोस्टेरियन, आशुलियन, ओल्डावन, ये जो उपकरणों के प्रकार हैं कि कौन सी सभ्यता में किस प्रकार के उपकरण प्रचलित थे। तो ये जो ग्रेसियन है ये हमारे यहाँ पर नहीं था, यूरोप का है। हमारे सभ्यताओं में, भारतीय प्राचीन भारत की सभ्यताओं में इसका कोई वो साक्ष्य नहीं मिलता हमें। आगे कहता है कि ताम्रपाषाण वृत्ताकार गर्भ ग्रह की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। बताइए साथियों, ताम्रपाषाण एक
सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर, जो वृत्ताकार गोलाकार के गर्त ग्रह, जमीन के नीचे गड्ढे खोदते खोद करके जो मानव रहते थे उन ग्रहों की। ये ग्रह शब्द गलत है, इसका शुभ शब्द आएगा ग्रह, ग्रह नीचे री की मात्रा आएगी, ग्रह वो ग्रह तो फिर प्लेनेट हो जाएंगे, ये जो ग्रह है प्लेनेट का है, हिंदी भी लिखने नहीं आती लोगों को। घर की बात हो रही है तो घर ऐसे लिखा जाए, ग्रह। ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में कौन से स्थल से हुई है, बताइए साथियों कौन से स्थल से हुई है हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इनाम गांव से, ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण एक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। नवपाषाण से संबंधित कौन सा स्थल जो जिसको की खोज सबसे पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिंग सुगुर को सबसे पहले सूचित किया गया था। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति, बताइए साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ये नेट का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा अच्छे से देख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके आगे काम आए, और इनको स्क्रीनशॉट जो लेते हो हर संडे को इनका रिविजन भी कर दिया करो साथ साथ, पता चले स्क्रीनशॉट ले लिया उसके बाद रिविजन करना भूल गए, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी मत कहिए, साथ साथ रिविजन करते रहिए अपने हर हफ्ते, मैं बार बार बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विंध्य घाटी के मध्य पूर्व पाषाण का पाषाण काल से, ये ध्यान रखिए इसको, मध्य पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है, इसको याद रखना हमेशा, और क्षेत्र कौन सा है, विंध्य घाटी, विंध्याचल पर्वत की घाटी जो है ये मध्य प्रदेश में आता है मेरे ख्याल से, मध्य प्रदेश या ये क्या आपका आधुनिक महाराष्ट्र में होगा, नहीं मध्य प्रदेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विंध्य घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, अच्छा अरे नहीं, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, हाँ बताइए साथ बूचड़खाना कहाँ से बोला, बूचड़खाला बोले तो जानवरों को जहाँ पर काटा जाता है ना, बूचड़खानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जानवरों को जहाँ पर काट कर उनका मांस सप्लाई किया जाता है ना, जहाँ पे तुर्के क्षेत्र का बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो, बताइए साथियों कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, महदहा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेते रहिए अपने साथ साथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई कहाँ से प्राप्त हुई साथियों, बताइए। अब आधे लोगों को तोबा ज्वालामुखी का नहीं पता होगा, तोबा ज्वालामुखी क्या हुआ साथियों, आज से कई हज़ार साल पहले, लगभग 80,000 साल, हाँ लगभग 80,000 से 60 से 80,000 साल पहले क्या हुआ था कि साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में क्या हुआ था, शायद मलेशिया पता नहीं इंडोनेशिया की बात है, वहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर एक ज्वालामुखी था जिसका नाम रखा गया है तोबा ज्वालामुखी, वो फट पड़ा था वो फट पड़ा था तो उसके राख फैल गई थी बहुत ज़्यादा,
आपके जम्मू कश्मीर तक, हिमालय हिमाचल हिमालय से लेकर के हिमाचल पूरा ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट ढक गया था उससे, तो आदमी सारे ख़त्म हो गए थे यहाँ के, बताते हैं। नई रिसर्च जो आई है, डॉक्टर है आपका डॉक्टर वेद वीर आर्य, उन्होंने रिसर्च की है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि आदमी ऐसी 5-5, 6-6 फुट की राख, और नज़दीक जो दक्षिण भारत का तो क्षेत्र जो है वो करीब 10-10 फुट का राख से ढक गया था क्षेत्र, और आदमी का अवशेष नहीं बचा था यहाँ पर, कोई जानवर जिंदा नहीं बचे थे, कोई छोटे मोटे जानवर बचे होंगे ना, तो ख़त्म हो गया था वजूद आदमी का, हिमालय की गहराई में जाके बचे थे आदमी वहाँ पर, जम्मू कश्मीर की साइड में, जो कि वहाँ ठंड थी एक तो, दूसरा वहाँ तक राख पहुँच नहीं पाई थी। तो वहाँ पर इंसानों की बस्ती बच गई थी, बाकी लगभग मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और पूरी भारत में तो बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया तक सब साफ हो गया था मामला। तो उसकी राख के अवशेष मिलते हैं, तो उससे कार्बन डेटिंग से पता लग जाता है कि कितना पुराना था वो। तो ये बता रहा है इसके बारे में, तो बताइए साथियों कहाँ से मिलती उसकी राख के अवशेष, हमें कहाँ से मिले? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोन दी घाटी से। आगे कहता है कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? हाँ, हड्डी से बनाने बनाने के औजारों का कारखाना मिला एक प्रकार से, पत्थरों का तो बहुत जगह मिला होगा ना अपने, लेकिन यहाँ पे हड्डियों के औजारों की बात हो रही है, हड्डियों से बने हुए औजारों को बहुत सारे बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो एक फैक्ट्री थी, एक कारखाना था एक प्रकार से, जहाँ पर हड्डियों के औजार बनाए जाते जाते थे, जैसे लोथरो चनोदड़ो मिले थे ना आपके, मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने की फैक्ट्रियाँ इसी प्रकार से। तो बताइए 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिरांद से। आगे कहता है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबंध है कौन से उपकरणों से संबंध रखता है? आधुनिक मानव होमो से, हालांकि होमो सेपियंस सेपियंस है, आज एट प्रेजेंट में हम लोग जो है ना, जो हमारी जो प्रजाति इस समय वो है होमो सेपियंस सेपियंस, उससे पहले होमो सेपियंस, उससे पहले और ओनली सेपियंस। तो ये बदलता रहता है समय के अनुसार, आज से 200, 4000, 5000 साल, 10, 20 हज़ार साल हमारी जनरेशन बदल जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, समय आया ज़रूरी है, होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे क्या था आधुनिक, अच्छा हाँ होनो, बताइए साथ राइट आंसर क्या होगा 9th क्वेश्चन का? तो ये होगा सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर दे दिया करो यार, ब्लेड से, बी ब्लेड से, ब्लेड बोले तो प्रस्तर उपकरण जो होते हैं ना, सबसे शुद्धतम प्रकार के जो उपकरण बनाए गए थे वो आधुनिक मानव के द्वारा बनाए गए थे, आपके हाँ नवपाषाण काल में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के द्वारा। आगे कहता है कि प्राचीन मानव प्रजाति, हाँ सबसे प्राचीनतम जो मानव प्रजाति है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो वो मानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है, अब तो खैर कॉमन हो गया, सबको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला, कब मिला था? भी सही नहीं भैया, आदत ये। क्वेश्चन नंबर 11th का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1873 1873 मिला था मद्रास के पल्लवरम में से, तमिलनाडु में है मद्रास, चेन्नई के पास में एक जगह पल्लवरम, वहाँ से मिला था। तो जब बता बताइए कौन सा पाषाण कालीन उपकरण मिला था, पत्थर का कौन सा उपकरण मिला था, कौन सा औजार मिला था उसको, रॉबर्ट ब्रूसफिट को जो मिला था, बताइए साथियों। आगे कहता है कि हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हस्त कुठार बोलते हाथ से पत्थर की बनी हुई हस्त कुल्हाड़ी,
हस्तकुठार हाथकुल्हाड़ी हैंड एक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी बात हो रही है। किस विधि से बनाया गया था बताइए? ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ट्वेल्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाई फेसियल। बाई फेसियल बोले तो एक कुल्हाड़ी मान लीजिए, भी बीच में उसका हैंडल हो गया, ठीक है, और इसके इधर भी वो है, ठीक है, और ये इधर भी तोड़ने का मान लीजिए वो है, तो इधर से भी काट सकता है, वो इधर से भी काट सकता है, तो बाई बाई बाईपोलर हो गया ना, बाई फेसियल हो गया, डबल फेस हो गया, इधर से भी काटेगा वो और इधर से भी काटेगा, दोनों फेस से काटेगा, इसे कहते हैं बाईपोलर या बाई फेसियल। तो मैंने बता ही दिए क्वेश्चन तो आपको, 1863 1863 था, 1873 था, 1873 होना चाहिए भाई, 63 था, इसको कंफर्म कर लेना भाई अपना। कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था, कहाँ से मिला था? तो मैंने बता दिया आपको ऑप्शन सी आएगा, पल्लवरम दक्षिण भारत तमिलनाडु के चेन्नई के पास से मिला था। आगे कहता है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथिक निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? कौन से युग में जो माइक्रोलिथिक सूक्ष्म प्रकार के औजार पाए गए हैं? बताइए साधु क्या क्या इसकी राम कहानी थी, कब पाए गए, कौन से टाइम पीरियड में पाए गए थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथिक निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? माइक्रोलिथिक औजारों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? छोटे जो लघु पाषाण उपकरण हैं, मध्यम आकार के, छोटे प्रकार के, निम्नलिखित में से किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग है, कौन सी संस्कृति में पाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो वो होगा साथियों आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में से पाए गए हैं। निम्नलिखित में से मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतत्व जमाव है, कौन सी जगह से मिला था? सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतत्व जमाव जो है कि सबसे निचला स्तर कौन सा है, वहाँ खुदाई जो की गई है सोन घाटी में अलग अलग स्थानों पर, तो वहाँ पर सबसे पुराना जो स्तर मिला है, सबसे पुरानी जो लेयर मिली है उसे जमाव बोलते हैं, भूतत्व जमाव, तो कहाँ से मिला है? पटपरा, बागोर, सिंगावल, खुंतली, खुंतासी नहीं वो अलग है, हाँ खुंतली, ठीक है, बताइए कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगावल से। नेक्स्ट कहता है साथियों कि अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, कौन सी संस्कृति है जो कि पाषाण युगीन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोथी संस्कृति। मद्रासियन में तो दक्षिण भारत में पता है आपको महापाषाण की संस्कृति मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, सोन संस्कृति मध्य भारत में मिलती है, विंध्य विंध्य से भी मिले हैं, तो सोथी से नहीं मिलते हैं, सोथी बहुत नव नव बहुत बाद की है, मतलब
आगे कहता है कि नदी गंगा नदी घाटी गंगा घाटी की नरहम संस्कृति संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है गंगा घाटी की नरहम संस्कृति? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति। 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? सर्वाधिक संख्या में कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। नाइनटीन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निम्न पुरापाषाण काल। 20 कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाण एक उपकरण के स्थान से प्राप्त किया है, तो आ चुका है पहले भी पल्लवरम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सबको पता भी होगा, इजी क्वेश्चन भी है, तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में एग्जाम्स में। तीन काल माने गए हैं साथियों, ऐतिहासिकता पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ट्वेंटी वन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भीमबेटका शैलाश्रय से, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफाएं। अनाज की प्रथम उपज प्रारंभ पहली बार प्राप्त हुई थी, बताइए साथ कहाँ से मिली थी अनाज की प्रथम बार उपज? ट्वेंटी टू तो ये हम उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे ना, तो ये मिली थी हमें ऑप्शन नंबर ए से नवपाषाण काल से, लाहुरा दे कोल्डीवा आपका ये मेहरगढ़ से सबसे पहले मिली थी, नवपाषाण काल स्थल मेहरगढ़ से पहले मिली, उसके बाद फिर 7000 BC तक का टाइम पीरियड जाता मेहरगढ़ का, उसके बाद कोल्डीवा और लाहुरा देवा आएगा आपका 9000 BC। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बताइए साथियों, प्रागैतिहासिक स्थल तो कौन सा नहीं है नीचे में से जो दिया हुआ है? ट्वेंटी थर्ड का ए होगा ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी से, कौशाम्बी जो है ना बाद का है, महाजनपद काल काल का है कौशाम्बी जो है। 24 कहता है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, बताइए साथियों कहाँ पर रहता था प्रागैतिहासिक में का मानव? क्वेश्चन नंबर 24
ये इसका राइट आंसर होगा डी, सभी में रहता था, मचान पे भी, पेड़ों के ऊपर मचान बना करके, कंदरा गुफाओं में और झोपड़ियों में भी। क्वेश्चन 24 क्या 5 कहता है कि अरुण सोना किया ने, पढ़ लेना यार ये क्वेश्चन, मेरे गाड़ी से बोलना नहीं जा रहा भाई। राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका। फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एच डी संकलिय महोदय। 26 बताइए राइट आंसर क्या होगा साथी, अपना खुद क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, राइट आंसर दे दो बस अपना बताओ। ट्वेंटी 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 भागों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए क्या होगा राइट आंसर। ट्वेंटी 27 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। ट्वेंटी 28 बताइए क्या होगा। ट्वेंटी 28 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉर्डिक। ट्वेंटी 29 कहता है बताइए, 29 सिंदूर और हल्दी का प्रयोग लिंग उपासना, निछावर प्रथा तथा तिथि गणना आदि इनके प्रमुख देन है, कौन सी सभ्यता की प्रमुख देन है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। थर्टी के बताइए राइट आंसर क्या होगा।
जो 30 का जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ऑल इज राइट, ऑल अबो राइट, सभी सही हैं। थर्टी वन का बताइए क्या होगा। 31 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। थर्टी टू बताइए क्या होगा राइट आंसर। थर्टी टू का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीरीज बी, सीरीज टू। थर्टी थ्री बताइए। थर्टी थ्री का जो होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुलियाना जमाओ। थर्टी फोर का बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच डी सांख लिया। थर्टी फाइव का बताइए क्या होगा राइट आंसर। थर्टी फाइव का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट थर्ड एक्सिस बताइए क्या होगा इसका। वो तो आसान क्वेश्चन, 36 तो बहुत बार आ चुका है, पी वाई क्यू मिल जाएगा आपको, पता होगा इसका तो सबको, 36 का सी मेहरगढ़, 37, 37 और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, बताइए क्या होगा 37 का राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, थर्टी सेवन पुरातत्व को जनक कहा जाता है आपके, ये एलेक्जेंडर का नहीं होगा हमको, 1861 बी सी ने बनाया था ए एस आई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, 1871 में इसके डायरेक्टर बन गए थे जेम्स प्रिंसेप है ये, 1837 में इन्होंने अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ने में सफलता की पाई थी, पढ़ दिए थे इन्होंने, ठीक है। व्हीलर का तो पता ही होगा आपको, जॉन मार्शल हड़प्पा रो डायरेक्टर थे उस समय 1921-22 में, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी तब, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने सॉल्व किया है। हाँ, आपके लिए आज का सवाल क्या कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, इसका आपने राइट आंसर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है, या जैसे भी हो इसका राइट आंसर बताना है कहाँ पर है ये। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम बताइए कहाँ पर है। तो थैंक यू सो मच टेस्ट अटेंड करने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है साथियों, बाद में मिलेंगे, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू सो मच।